हेलो, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में मैं देखूंगा जो लूप एनालिसिस है यानी मेश एनालिसिस है, उसमें तीन लूप का, दो लूप का हमने देख लिया, उसमें तीन लूप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। और नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे जो प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था उसमें आप लोगों ने कुछ गलतियाँ की है, कहाँ पर गलतियाँ हुई है, किसको कैसे सॉल्व करते हैं नोडल में, हम उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे, इसके बाद हम चलेंगे यूनिट 5 पे। यूनिट 5 पे आप देखोगे किस तरीके से अपने को करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने को ब्रांच करंट निकालना था बाय यूजिंग नोडल से, बाय यूजिंग मेश से, और जितने भी थ्योरम्स है वो भी ब्रांच के करंट को ही निकालने का मेथड होता है। तो ब्रांच करंट निकालने का मेथड जो होता है, चाहे वो आपका सुपरपोजिशन से हो या फिर थेवेनिन थ्योरम से हो या फिर नॉर्टन से हो, तो ब्रांच के करंट को कैसे निकाल दिया जाए, तो इन सब मेथड को छोड़ के हम थ्योरम के भी मेथड को भी इंप्लीमेंट करते हैं। इसलिए 5th यूनिट को पकड़ेंगे, उसके बात चलेंगे आगे सेकेंड और थर्ड क्लिक। ओके, चलिए यहां देखता हूं मैं, तीन यूनिट का एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें तीन लूप हो। ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें लूप तीन हो, ये ले लेता हूं, ऐसा एक ऐसा ले लेता हूं, एक ऐसा ले लेता हूं। तीन लूप का क्वेश्चन हमने ले लिया, ये रहा, है ना। इसमें लूप तीन हो गए, एक है मान लो 2 वोल्ट का, दूसरा है 5 वोल्ट का, यहाँ है 2 ओम का, यहाँ 12 वोल्ट कर देता हूँ, है ना, 2 ओम का, यहाँ 4 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम, है ना। अब देखिए तीन लूप वाले क्वेश्चन को कैसे करें, क्योंकि जब सेमेस्टर के एग्जाम में जाओगे तो लूप टाइप का पूछता है, कंपटीशन में इतना लूप पूछता नहीं, और लूप के क्वेश्चन कंपटीशन में तो कभी बना नहीं होता है। गेट वगैरह में जाओगे तो बहुत मुश्किल कभी लूप के क्वेश्चन बनाने पड़ जाते हैं, है ना। अदरवाइज आपको लूप क्वेश्चन कहीं कंपटीशन में भी देखने को नहीं मिलता। चलिए, अब यहाँ पर हमने बताया था कैसे लूप जब भी लगाएंगे तो हमने क्या करना है, एक किसी एक डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। तो मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, किसी को एंटी क्लॉकवाइज लेना है ले सकता है। सब लूप में हमने डायरेक्शन माना एक करंट का, एक I1, एक में I2 और तीसरे में लूप चल रहा है हमारा I3। अब लूप चलाना है, अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा देखिएगा, क्वेश्चन कहेगा आपसे फाइंड करंट IP, कोई पूछ देगा फाइंड करंट IQ, एक IP और दूसरा IQ निकालिए। एक पूछ रहा IP और दूसरा IQ निकालिए, क्या होगा, ये पूछ दिया करंट। तो आप में ये भी पूछा जा सकता है, देखिए फाइंड लूप करंट इस लूप में, यानी इस लूप का करंट क्या है, इस लूप का करंट क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो चलिए, मैं लूप माना, तीन लूप माना है, अब तीन इक्वेशन बनेंगे, जितने लूप होंगे उतने इक्वेशन बढ़ते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, पहला यहाँ मैंने बोला फाइंड IP एंड IQ, दो क्वेश्चन पूछा है, इसमें दो पॉइंट पूछा है, इनका मान बताइए। अब देखिए IP IQ निकालने, सबसे पहले आपको लूप का करंट निकालना है, लूप का करंट निकल जाएगा तो I1 तो वही है जो इधर से जा रहा है, तो IP हो जाएगा, IQ तो वही होगा जो I2 जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, लूप अप्लाई KVL इन लूप 1, इसको लूप 1 मान रहा हूँ, इसको लूप 2, ये लूप 1, ये लूप 2, ये लूप 3। चलिए प्लस माइनस को पहले आपने जिक्र करना होगा, ये ऊपर प्लस है यानी माइनस है, यहाँ से करंट अगर जाएगा तो ये क्या प्लस, ये माइनस, यहाँ प्लस और ये माइनस, जिस ब्रांच में रहेंगे उसकी डोमिनेंसी होगी, पहले भी बताया हूँ। तो लूप लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, निकलते टाइम को प्लस लेके चलना है, अगर निकलते टाइम को क्या लेना है, यहाँ पे लिख देता हूँ -2, प्लस अगर चलेंगे तो इसको हम क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या लेके चल रहे हैं, एज्यूमशन हमारा क्या है, जब माइनस से प्लस लेंगे तो प्लस लेंगे। तो चलिए माइनस से प्लस को प्लस लेता हूँ तो कितना हो गया 12। चलिए अब यहाँ से प्लस से माइनस हो गया तो उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा था माइनस, चलिए माइनस इतना 2i, -2i 1। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, अब इस ब्रांच में 4 × करंट तब वोल्टेज होगा, लेकिन यहाँ एक करंट नहीं दो करंट जा रहा है, एक करंट इस ब्रांच का इधर जा रहा है दूसरा इधर, तो क्या होगा इस वाले से वो घटेगा, ठीक है ना। यानी नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, -4 × I1 - I2, एक इक्वेशन आपका निकल गया।
इन लूप वन में। चलिए निकालिए इसको, तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स आई वन, कैलकुलेशन देख लेना है ना, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन के अंदर फाइव डिवीजन करने के लिए मिस हो गया था ना, इसलिए कई बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था फिर बाद में कि हाँ सर फाइव मिस हो गया। चलिए यहाँ पे देखिएगा सिक्स आई वन जो प्रैक्टिस के लिए आपको लिए दिया था उसके लिए बोल रहा हूँ, जो इसमें प्रैक्टिस के लिए मैं दिया था प्रैक्टिस उस टाइम उस वाले लेक्चर में देखना फाइव डिवीजन के लिए रह गया था। चलिए यहाँ पे क्या हो गया माइनस सिक्स आई वन माइनस माइनस प्लस फोर आई टू और ये प्लस ट्वेल्व बराबर जीरो, ठीक है। दो अगर कॉमन आ जाए तो चल जाएगा काम, चल जाएगा माइनस थ्री आई वन प्लस यहाँ देखो फोर आई टू का टू आई टू प्लस सिक्स बराबर जीरो, ठीक है। माइनस को हटा दो, चलो अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक इक्वेशन यहाँ से निकल गया। नेक्स्ट अप्लाई केवीएल इन, अब दूसरे लूप की बात कर रहा हूँ, लूप टू, इस लूप में जाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ से निकलो, ऐसे करंट जा रहा है टू तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इसमें इधर जाएगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और लेकिन इसमें जब यहाँ से जाएगा ये उधर जाएगा, इसका मतलब ये कहेगा कि हम जहाँ से जा गुजरेंगे वहाँ प्लस और जहाँ से निकलेंगे वो माइनस, तो इस बार उसकी डोमिनेंसी होगी लूप टू की, तो लूप टू की डोमिनेंसी होगी तो ऊपर से लेके चलो माइनस फोर आई टू माइनस फोर आई टू माइनस फोर आई टू और यहाँ भी माइनस टू इंटू आई टू। अब देखो कौन किससे घटेगा, तो जो जिसमें रहते हैं उसी को मेजर मानते थे, ये बड़ा ये छोटा आई टू माइनस आई थ्री, और यहाँ आओगे तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, यहाँ देखिए फिर अब क्या फोर तो रहेगा, फोर प्लस में दिख रहा है कि माइनस में, देखिए यहाँ से जो निकल रहा है उसकी बात करेंगे माइनस फोर इंटू, अब आई टू इन माइनस आई टू माइनस आई वन जिस ब्रांच में रहते हैं वो बड़ा रहता है, तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको माइनस फोर आई टू माइनस टू आई टू प्लस टू आई थ्री माइनस फोर आई टू प्लस फोर आई वन, ये सब का अलजेब्रिक सम जीरो। चलिए अब आई वन फोर आई वन, चलिए क्या है यहाँ पे फोर आई वन दिख रहा है ना फोर आई वन, नेक्स्ट आई टू के लिए कौन कौन सा लूँ, ये आई टू माइनस फोर आई टू माइनस माइनस सिक्स आई टू और माइनस माइनस टेन आई टू माइनस टेन आई टू और आई थ्री के लिए प्लस टू आई टू प्लस टू आई थ्री बराबर जीरो, है ना, इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं दिखा। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। नौ इन लूप थ्री, इन लूप थ्री, ये लूप टाइप का कभी भी सेमेस्टर वगैरह में ही पूछता है, कंपटीशन में कहीं नहीं पूछता क्योंकि कितना लेंदी होता है, लेंदी के बना ये निकलेगा ही नहीं। चलिए यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ क्या माइनस, यहाँ करंट मानो यहाँ प्लस, यहाँ ऐसे जा रहा है ना, हमने ऐसे डायरेक्शन माना है, यहाँ माइनस, अगर कोई ऐसे मानता तो क्या होता है यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है ना, ये भी चीज़ें हैं, और यहाँ फिर प्लस और यहाँ माइनस। चलिए तो निकलने वाले को हमने क्या माना है प्लस, निकलने वाले को क्या माना है, यहाँ देखिए निकल रहा है अगर ऐसे प्लस तो माइनस को माइनस माना है, तो यहाँ माइनस को माइनस फाइव वोल्ट माइनस फाइव वोल्ट, ठीक है ना, निकलने वाले को मानना है यहाँ माइनस टू आई थ्री माइनस टू आई थ्री, यहाँ से लिखा फिर यहाँ जब जाएगा तो यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा टू इंटू, क्योंकि निकलने वाला यहाँ पे माइनस है और टू इंटू आई थ्री माइनस आई टू बराबर जीरो, ठीक है ना, बराबर क्या हो गया जीरो, यहाँ पे दोनों इक्वेशन आ गए। अब यहाँ पे फिर सॉल्व करना पड़ेगा आपको आई टू आई थ्री का इक्वेशन, यहाँ पे देखिए माइनस फाइव माइनस टू आई थ्री माइनस टू आई थ्री, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस टू आई टू बराबर जीरो, माइनस माइनस प्लस टू आई टू, नेक्स्ट बात करूँ आई टू लिख लो पहले तो क्या हो जाएगा टू आई टू
टू आई टू, यहाँ समझिए आई थ्री को अब लिखना है, माइनस फोर आई थ्री और माइनस फाइव बराबर जीरो। ये एक और इक्वेशन आ गया, ये आ गया ना इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब तीसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए तीन इक्वेशन तीन अननोन, तीन इक्वेशन तीन अननोन, अननोन कितने हैं, आई वन भी है, आई टू भी है, आई थ्री भी है, ये अननोन है, तीनों को नहीं जान रहे। इक्वेशन तीन इक्वेशन को सॉल्व, तीन अननोन को सॉल्व करने के लिए हमेशा तीन इक्वेशन चाहिए। तीन इक्वेशन आ गए कि नहीं, एक दो और तीन, अगर तीनों इक्वेशन होगा आप इसको सॉल्व करोगे तो नहीं निकलेगा, आई वन भी निकलेगा, आई टू भी निकलेगा और आई थ्री भी निकलेगा। चलिए अब अपन देखते हैं, कुछ रिलेशन भी हालांकि कर दोगे तब भी निकलेगा। यहाँ से चलिए देखता हूँ, आई वन आई टू यहाँ है, आई वन आई टू आई थ्री यहाँ है, समझिएगा, और आई टू आई थ्री यहाँ है। ऐसी इक्वेशन है और तीन ही अननोन है, वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैसे करूँगा समझिएगा, मैथ थोड़ा है। आई वन आई टू है, यहाँ पे आई वन आई टू है, और यही आई वन आई टू निकल जा, आई वन इधर से गुजरा है तो आई वन बराबर ही तो आई पी है, समझिएगा, तो आई वन इधर ऐसे गुजर रहा है ना तो आई वन तो वही है जो आई पी है, तो आई वन बराबर आई पी है, तो आई वन निकल जाएगा तो आई पी नहीं निकल जाएगा, बोलिए। और दूसरा देखिए आई क्यू वही है, जो आई क्यू वही है, ये आई पी था, ठीक है, आई क्यू वही है, तो ये जो गुजरने वाला आई टू करंट है ये ऐसे नहीं गुजर रहा है, तो आई टू वही है जो आई क्यू भी है, यानी आई टू आई वन पता चल जाए, आई वन आई टू पता चल जाए तो हमारा आई पी आई क्यू निकल जाएगा। अब समझिएगा क्या करूँ कि एक ही बार में सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ से अगर लेंदी प्रोसेस से जाओगे तो लेंदी भी निकलेगा, पर दिमाग लगाओ तुरंत निकल जाएगा, समझिएगा। अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन से आई थ्री हटाने की कोशिश करूँगा, यानी आई थ्री का मान, इस आई थ्री का मान समझिएगा, इस आई थ्री का मान निकाल के इसमें पुट कर दूँ तो किसके टर्म में आ जाएगा, यहाँ से आई टू के टर्म में आएगा, आई टू आई वन आई टू बच गया, आई वन आई टू यहाँ भी है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, माइनस फोर आई थ्री बराबर क्या करूँगा, ये फाइव इधर गया होगा तो फाइव, ठीक है, और ये माइनस टू आई टू, फाइव माइनस टू आई टू, यानी इस माइनस को मैं हटाऊँ, इस माइनस को हटाऊँ तो क्या दिखेगा, फोर, फोर भी हटा दूँ अगर आई थ्री बराबर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो क्या दिखेगा जी आपको, टू आई टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाय फोर, डिवाइडेड बाय फोर, ठीक है। देखो माइनस प्लस इधर चला गया, माइनस से काट दिया तो माइनस पाँच और प्लस टू आई हो गया है, ठीक है, और ये चार से डिवीजन हो गया, ठीक है। अब इस आई थ्री को इसमें पुट कर दूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई वन आई टू का, और आई वन आई टू का एक इक्वेशन यहाँ है तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। चलिए अब स्पेस नहीं है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जल्दी से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन को अब एक बार जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, चलिए ये इक्वेशन तो एक है ही, अब इसको पुट कर देना है इस वाले में ताकि आई वन आई टू में इक्वेशन रहे, एक आई वन आई टू में यहाँ है तो दोनों कट जाएगा जैसे हम नोडल में भी बनाते थे। चलिए यहाँ पे करता हूँ मैं फोर, क्या लिखूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ आई थ्री इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में क्या करना है, आई थ्री का वैल्यू पुट करना है, फोर आई वन माइनस टेन आई टू प्लस टू आई थ्री। अब सोचो आई थ्री का मान आया, आई थ्री का मान डायरेक्ट ही रख देता हूँ, क्यों लिखता रहूँ बार बार, आई थ्री का मान सीधे लिख देता हूँ, टू आई टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाय फोर बराबर जीरो। अब यहाँ से आई वन आई टू कैलकुलेट करना है, फोर आई वन माइनस टेन आई टू प्लस दो से ये कट जाएगा तो दो बचा, दो से आई टू कटेगा तो आई टू और माइनस फाइव बटा टू बराबर जीरो, ठीक है। चलिए फोर आई वन यहाँ से नाइन आई टू माइनस फाइव बटा टू बराबर ज़ीरो, ये भी इक्वेशन आ गया कि नहीं, ये एक नया इक्वेशन आ गया क्या, इक्वेशन फोर, इक्वेशन क्या आ गया
4, इन दोनों को जब सॉल्व किए तो आप अब किए क्या क्या करो, अब इस इक्वेशन और 4 और 1 को क्या करो, इक्वेट करके निकाल लो I1 I2, I1 I2 निकल जाएगा, तो I1 वही है जो IP है, I2 वही है जो IQ है। चलिए अब इसी को रख देता हूँ यहाँ पे, उठा के रख देता हूँ, ठीक है ना। क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना, माइनस 3 I1 प्लस 2 I2 प्लस 6 बराबर 0, ये कौन सा इक्वेशन है हमारा, 1। अब इसमें काट के आपको I1 I2 का ही तो मान निकालना है, I1 I2 का मान निकालना है, तो क्या करोगे, क्या करोगे इसको सॉल्व आसानी से करने के लिए, इसको सॉल्व आसानी से करने के लिए एक इक्वेशन को खाली लिख के रख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कहीं कर लेना, इक्वेशन को लिख के रख लेता हूँ ताकि सॉल्व आगे करना पड़ेगा। माइनस 3 I1 चूँकि वहाँ रफ करना पड़ेगा मुझे, प्लस 2 I2 प्लस 6 बराबर 0, ये इक्वेशन 1 है, ये आप लोग के पास नोट डाउन होगा। मैं इसको चूँकि रफ करूँगा, है ना, किस तरीके से आ रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, इसको गुना अगर कर दूँ मैं, इसको गुना कर दूँ 3 से और इसको गुना कर दूँ 4 से, तो बात नहीं बन जाएगा। देखिए 3 से करूँ तो 4 तिया 12 I1 माइनस 9 तिया 27 I2 माइनस 15 बट्टा 2 बराबर 0, और इसको 4 से करूँ तो माइनस 12 I1 प्लस 8 I2 प्लस 24 बराबर 0। चलिए अब इसको काटिए, इन दोनों इक्वेशन को काटिए, ये कट गया, बचा क्या यहाँ पे, देखिए 27 से घट जाएगा 8, बचा कितना, माइनस 19 I2 और यहाँ क्या बचेगा, 15 बट्टा 2 और 24 प्लस में है, तो यहाँ पे आपका 7.5 घटेगा, 24 में 7.5 डिक्रीज कर जाएगा, यही तो है। चलिए तो आप इसको कैंसिल घटाओगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 0, 10 में से 5 गया 5, नेक्स्ट यहाँ बचा 23, 23 में से 7 अगर गया तो 16.5, 8, 7, 15, 7, 6, 13, 24, ठीक है ना, 16.5 बराबर 0, इसीलिए I2 बराबर बोले निकलेगा कि नहीं, ये माइनस में आया, ये भी माइनस में आया, तो इसको दोनों को जो अगर ये इधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, चीज़ों को समझिएगा, चीज़ें प्लस में चला जाएगा, यानी कितना रह जाएगा 16.5, ये इधर गया प्लस में, लेकिन एक माइनस तो लगा रहा है यहाँ का, माइनस बटा 19, क्या होगा 19, ये कौन सा वैल्यू है, I2 का वैल्यू, कौन सा, I2 का वैल्यू, इसका मतलब I2 का जो मान है माइनस 16.5 बटा 19 एम्पियर, 16.5 बटा 19 एम्पियर, इसका मतलब इस IQ में जाने वाला करंट इधर जो है I2 वो कितना है जी, 16.5 बटा 19, तो इसका मतलब एग्जैक्ट करंट किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन आपने सो IQ पूछा है तो IQ का डायरेक्शन वही है जो I2 का है, I2 का डायरेक्ट वैल्यू आ गया, जब ये आ गया तो बोलो हमारा फिर I1 नहीं निकल जाएगा, I1 आसानी से निकल जाएगा, निकाल लो वैल्यू को पुट करके, I1 को भी निकालना है तो I1 निकाल लो, ये इक्वेशन 1 में डाल दो वैल्यू को, अपने आप निकल जाएगा, इसमें माइनस 3, इसमें किसमें, इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ, माइनस 3 I1 प्लस 2 इंटू I2 का मान है माइनस 16.5, कैलकुलेटर रखना पड़ेगा आपको ऐसे कंडीशन में, एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर अलाउ होता है अगर आप सेमेस्टर का एग्जाम देते हो, क्योंकि कंपटीशन में तो ये पूछता नहीं है। अब 16.5 बटा 19 ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस 6 बराबर 0 बराबर 0, अब यहाँ पे आपको निकल जाएगा क्या, माइनस 3 I1 प्लस, अब यहाँ पे करो माइनस में चला जाएगा, है ना, माइनस को गुणा करूँगा तो माइनस 32 दूनी 33 हो जाएगा, 33 बट्टा 19, 16 दूनी 32 एक 33 है ना, चलो, और प्लस 6, ये इसी क्वेश्चन का है,
ये बराबर जीरो। तो आई वन कितना होगा, कोई कहेगा आई वन कितना होगा, तो माइनस थ्री आई वन लिखना है, तो अभी लिख लो। आगे चलते हैं इसको, माइनस सिक्स और प्लस कितना हो जाएगा, तैंतीस बट्टा उन्नीस। अब इसको जब करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उन्नीस से इसको काटो, उन्नीस से का उन्नीस है ना, उसके बाद बच कितना गया, चौदह पॉइंट एक सौ चालीस, उन्नीस सत्ते आप करोगे, उन्नीस सत्तर कितना हो जाएगा, नौ सौ तिरसठ, एक सौ तैंतीस है ना, सात से लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चा कितना फिर यहाँ पे, तैंतीस सात सत्तर, सत्तर उन्नीस चौका छिहत्तर, नेक्स्ट कितने से लग जाएगा, चार, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया वैल्यू, यहाँ पे देखोगे तो माइनस ऑफ क्या जाएगा मैं हमारा, माइनस ऑफ सिक्स और प्लस ऑफ वन पॉइंट सेवन फोर और माइनस ऑफ थ्री आई, क्लियर है। बस कैलकुलेशन है और कुछ करना नहीं है, अब बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो तो क्या बचेगा, यहाँ जी माइनस सिक्स से लगभग पौने पौने दो घट रहा है, तो बचा कितना जी, माइनस फोर पॉइंट टू फाइव अप्रॉक्स, टू सिक्स बचेगा, अप्रॉक्स टू सिक्स बचा। तो ये माइनस ऑफ थ्री आई वन है ना, माइनस ऑफ थ्री आई वन है, माइनस माइनस कटेगा, आसानी से कट गया, माइनस माइनस कट गया। चलिए आई वन का वैल्यू लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 4.26 डिवाइडेड बाय 3, 4.26 डिवाइडेड बाय 3, इतना एम्पियर, इतना क्या हो गया, एम्पियर, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये जो है आईपी का डायरेक्शन सेम है, आईपी का डायरेक्शन सेम है, जो आई वन है वो निकला 4.26 डिवाइडेड बाय 3, यानी 1 समथिंग है ना, और यहाँ का मान कितना, 1 पॉइंट से भी कम है, ये इधर की डायरेक्शन में जा रहा है और ये एग्जैक्ट में इधर आ रहा है, लेकिन आपसे आईक्यू पूछा है तो इसी डायरेक्शन में देना है, तो चीज़ों में क्या होगा, माइनस लगा होगा, चीज़ों में क्या लगा रहेगा, माइनस, क्योंकि आई टू का वैल्यू कहाँ गया, आई टू का हमने निकाल रखा है, यहाँ पर देखिए कहाँ गया आई टू, आई टू, आई टू का वैल्यू कहीं तो निकाल रखा था ना, आई टू कहाँ निकाला था जी, अभी ये रहा, आई टू का मान निकला है कि नहीं, माइनस सोलह पॉइंट पाँच बटा उन्नीस, आई टू इस डायरेक्शन में जो जा रहा है वो माइनस सोलह पॉइंट पाँच बटा उन्नीस, लेकिन जब इस डायरेक्शन में होगा तो वो किस डायरेक्शन में, क्या वैल्यू रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक है ना। चीज़ें, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आपसे सीधे पूछ देगा, आपसे एग्जाम में सीधे पूछ देगा कि लूप करंट निकालिए, क्या कीजिए, लूप करंट निकालिए। लूप करंट मतलब कि आई वन निकालिए, आई टू निकालिए, आई थ्री निकालिए। लूप करंट अगर पूछ देगा तो क्या मतलब होगा, I1, I2, I3, तो आपने I1 भी निकाल लिया, I2 भी निकाल लिया और I3 भी निकलेगा। देखो I3 में इस वैल्यू को I2 को पुट कर दो, I3 नहीं निकल जाएगा, सबे करंट निकल जाएगा। या फिर पूछ देगा IP, IQ, तो किसी भी ब्रांच का करंट निकालने का एक मेथड होता है, लूपो मेथड। कौन सा, लूप मेथड से भी किसी ब्रांच का करंट, किसी भी ब्रांच का, इस ब्रांच का किसका निकालना है, सब निकल जाएगा। अगर इसका पूछ देता तो क्या होता, या इसका अगर इस डायरेक्शन में पूछ देता तो क्या होता, देखो इसको सपोर्ट करने वाला कौन है, I2, तो I2 माइनस I1 यहाँ का करंट हो जाता, और उसमें वैल्यू रख देते हैं, जो I1 I2 का वैल्यू आया वो रख देते हैं। इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, बस लेंदी होता है और कुछ नहीं होता। कभी पूछता भी है, दो नोड का पूछेगा तो ऐसे, तीन नोड का पूछेगा तो अब ज़्यादा एक एक क्वेश्चन 15-15, 20-20 नंबर का दे देता है, तो ऐसे सॉल्व कराएगा। थोड़ा लेंदी होता है पर आप प्रैक्टिस में करोगे फटाफट, बस कैलकुलेशन में प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बाकी कोई है तो कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम आगे अब नोडल के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो बच्चे लगातार गलती किए हैं उसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो लास्ट टाइम आपको प्रैक्टिस में दिया था, काफ़ी बच्चे इसमें गलती किए थे। यहाँ पे समझना ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे इसको नोडल एनालिसिस से नोड वी मान लूँ है ना, तो इसमें तो हमेशा इसको क्या मानना पड़ेगा, ग्राउंडिंग। इसका मतलब ये 0 वोल्ट है ना। अगर इस ब्रांच का करंट निकालना है, यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ I3, ठीक है, यहाँ I1, I2, I3, तो क्या लिखना पड़ेगा, एट नोड, यहाँ एट नोड V, V नोड पे कैसे सॉल्व होगा,
एट नोड पे भी क्या करेंगे, अप्लाई केसीएल। क्या करना है, अप्लाई केसीएल, केसीएल अप्लाई करना है। तो क्या होगा जी, नोड पर टोटल करंट का अल्जेब्रिक सम जीरो, सब जा ही रहा है, इसका मतलब आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री बराबर जीरो। अब बच्चे यहाँ से लिखना गलत कर दिए, बहुत बच्चे मोस्टली ने, किसी ने भी सही नहीं किया ये क्वेश्चन, बाकी सब ने सही किया लेकिन ये क्वेश्चन सब ने गलत किया। आज यहाँ पे समझ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक देखते ना, हर ब्रांच की, इस ब्रांच के लिए यहाँ से यहाँ तक, इस ब्रांच के लिए यहाँ से यहाँ तक और इस ब्रांच के लिए यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये देखते हैं। अब सोचो यहाँ से जो आया, अब इस रेजिस्टेंस को सबने एलिमिनेट कर दिया, ये क्यों छोड़ दिया भाई, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का जो देख रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जीरो डिफरेंस तो यहाँ तक है ना, जीरो डिफरेंस यहाँ तक है। अब इस सर्किट में समझिएगा, इस सर्किट में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस है 5 वोल्ट यहाँ और यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है, अब यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 2 ओम है और यहाँ 2 ओम है, सपोज दैट। तो इस सर्किट में यहाँ से यहाँ सब सीरीज में ना, जब सीरीज में है तो ये 2 ओम और ये 2 ओम ऊपर आ सकता है और ये 5 वोल्ट नीचे जा सकता है, कोई भी तब भी करंट, अगर कोई कहे कि यहाँ करंट आ ही जा रहा है तो ये ऊपर नीचे करने के बावजूद भी करंट क्या जाएगा, आई ही जाएगा, करंट आ ही जाएगा, उससे कोई चेंजेस नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रहे। सीरीज है ना, सीरीज सर्किट में कोई एलिमेंट कहीं हो सकता है, सीरीज सर्किट के अंदर कोई एलिमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल ये पोटेंशियल और ये टर्मिनल देखा जाता है, ये टर्मिनल और ये यहाँ से यहाँ, इसके क्रॉस टोटल कितना वोल्टेज है, इसके क्रॉस, तो यहीं यहाँ भी क्या देखते हैं, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को देखते हैं ना, तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को देखेंगे तो क्या करेंगे, उसमें 4 इंक्लूड होगा, यानी 4 को ऊपर कर लो तो भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर बात करूँ मैं यहाँ आई वन की, तो क्या होगा, वी माइनस यहाँ पे देखो, ये 4 ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये लोएस्ट पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, जीरो, इसका भी जीरो जीरो और ये जीरो है, इसका मतलब वी माइनस 5 बटा रेजिस्टेंस क्या होगा, ये और दोनों काउंटर का 4 2 6, यही मैं बार बार कहना चाह रहा था कि एक्चुअली 6 होगा, है ना, किस तरीके से, आपका हो सकता है वहाँ न्यूमेरिकल डाटा कुछ और होगा, पर मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर बीच में आ जाए तो क्या करना है। चलिए आई टू की बात करूँ तो नो डॉट वी माइनस 0/2 प्लस आई थ्री की बात करूँ, ये आई थ्री है, आई थ्री यहाँ देखो वी माइनस यहाँ, यहाँ से यहाँ देखना है ना, वी माइनस ये रहा यहाँ का रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज सोर्स, इसको काउंटर करने वाला 3 वोल्ट है, वी माइनस थ्री और डिवाइडेड बाय, ये तो पूरे सीरीज का रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि यहाँ जो करंट जाएगा उस सीरीज का करंट यहाँ तक जाएगा, तो 2 ओम को ऊपर रख लो तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 7 7 = 0। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना क्वेश्चंस, है ना, तो ये मतलब था, यही तुम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे थे, जिसके कारण मैं बोला कि आपको ये चीज़ें करने होंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो इस तरीके से आपने नोडल और मेस को बहुत बेहतरीन तरीके से किया, यानी यूनिट आपका 4 कंप्लीट हो गया, जहाँ तक जितनी हो सकता था हमने पूरे किया, ठीक है ना, और बहुत मच मोर सफिशेंट है, इतना खाली बेसिक करके जाओ ना, सारे क्वेश्चन हवा में उड़ जाएंगे, कहीं दूर दूर तक नहीं टिकेगा, ठीक है ना। अब हम इसके बाद उठाएंगे यूनिट 5, क्योंकि वो भी जितने भी थ्योरम हैं वो ब्रांच करंट निकालने के एकदम आसान तरीके हैं। अगर यहाँ पे कंपटीशन में पूछता है ये करंट निकालिए, अब हम नोडल से इतना निकालेंगे नहीं, तुरंत थेवनिन निकाल के निकाल देंगे। थेवनिन में पूछता है RTS VTS पता करना होता है, निकाल देते हैं। तो कहीं थेवनिन आसान हो जाता है, कहीं नोडल आसान हो जाता है। ये सब कब पता चलता है, जब आप प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो आपको पता चलता है। तो बाकी कंपटीशन में तो हम सिखा लेंगे, यहाँ पे आप सेमेस्टर के अकॉर्डिंग वहाँ पे मेंशन कर देगा, नोडल से बनाइए, मेस से बनाइए, थेवनिन से बनाइए, उसको हम करेंगे आगे।